90 मिलियन इस वक्त एक्सपायर है उनकी अगर आप रिसर्च करें तो उनमें से शायद आपको चंद हज़ार भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या बिजनेस बिजनेसमैन सारे जॉबियंस हैं और जॉबियंस वाला माइंड सेट ही क्योंकि जा रहा है तो वही आएगा क्यों हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा कुछ काम नहीं करते है? क्योंकि माशा आपके पास बड़े बड़े कैंपस हैं हम सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक या दो कैंटीन बनाई दैट्स इट हलास और उसका भी क्या है आउटसोर्स कर दिया किसी बाहर को क्यों हम अमेरिकन मॉडल नहीं अडॉप्ट करते कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही छोटे छोटे से क्यूर्स बनाए दे दे भाई लगा लो चार्ट लगा लो लगाओ यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई बेचो यहाँ फोन की एक्सेसरीज बेचें यहाँ पे को ला के रिपोर्ट बेचें इस तरह के छोटे छोटे क्यूर्स बना के इनिशिएटिव स्टूडेंट्स को क्यों नहीं देते खास तौर पर बिजनेस वाले स्टूडेंट्स को दे रहे देखिए एक तो आप यूनिवर्सिटी आपको फूड लाएड नजर आएंगे स्टूडेंट लेड नजर आएंगे वेरी नाइस नंबर अच्छा ये सिर्फ हम नहीं और भी बहुत सारी जगहों पे हो रहे होंगे एक साल पहले मेरा नमल यूनिवर्सिटी जाने का इतफाक हुआ एक ग्रेडिटेशन विजिट पे तो मैंने देखा वहाँ पे भी स्टूडेंट ये कर रहे हैं। आई एम श्योर के बाकी जगहों पर भी कर रहे हैं नंबर वन नंबर टू आप हमारे पास आए हम आपको दिखाएंगे अभी मैंने आपको कहा कि लास्ट वन ईयर हम उनको मार्केट में प्लेस करते हैं हम उनको पहले तीन स्ट्रीम्स ऑफर करते थे ठीक है एक थी जिसको हम कहते थे स्टार्टअप स्ट्रीम ओके तो जो स्टूडेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था उसको हम अपने इनक्यूबेशन सेंटर के साथ एंगेज करके एक साल के अंदर ठीक है उसके ऊपर काम करवा के बिजनेस लॉन्च करते थे ओके जिस दिन उसका बिजनेस लॉन्च होता है उस दिन हमारा लाहौर रंग टीवी का कैमरा जाके उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करता है ओके और हमने पिछले दो साल के अंदर हंड्रेड एंड नाइनटी प्लस बिजनेस स्टार्ट नाइस अगेन उसके सारे के सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इंक्लूडिंग डिजिटल एविडेंसेस अवेलेबल हैं एक स्ट्रीम है जिसको हम कहते हैं स्केल अप स्ट्रीम ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अपना बिजनेस आप स्केल करना चाहते हैं या आप एक फैमिली बिजनेस से बैकग्राउंड है आपका और आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस अगली स्टेज पर जाए उनके लिए स्केल अप स्ट्रीम है ठीक है तीसरी थी ये जो प्लेसमेंट स्ट्रीम थी उसको हम डिजाइन चैलेंज स्ट्रीम कहते थे अब हमने वो चौथी स्ट्रीम ऐड किया जिसको हम कहते हैं गो ग्लोबल स्ट्रीम गो स्ट्रीम में जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है जैसे मैंने भी आपको कहा उसको एक साल पहले ही फिर हम उसकी लैंग्वेज उसकी बाकी ट्रेनिंग्स करवाना शुरू कर सही नॉ दिस स्पीक्स फॉर इट कि जब हमने ये कहा कि हम अपने स्टूडेंट बाहर भेजेंगे और हम बाकियों को हेल्प करेंगे तो चाहे वो लैंग्वेज सेंटर हो चाहे वो गो ग्लोबल स्ट्रीम ऐड करनी हो चाहे ये रियलाइजेशन करनी हो कि हमने इनकी डॉक्यूमेंटेशन में इनके मैनर्स में इनके एथिक्स में इनके प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में असिस्ट करना हो या हम इनको यू मार्केट लेके जाएं तो वहाँ बूट कैंप बना के इनको पहले एक तरह से

साइट्स पे विजिट करवाते हैं ताकि उनका एक दफा दिमाग विज़न बने और उनको एक ग्लोबल एक्सपोज़र मिल सके